गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मानसी और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, मैंने अभी लास्ट में पापा रैप सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन दिया था। फिर मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि चाचा के ऊपर, तो जो कि उसका आंसर है, फिर चाचा के ऊपर दिया। तो अब पता चला है कि चाचा का भी रिप्लाई आ चुका है, जो कि सैमी के चैनल पर है, जिसका कि टाइटल है बड़ा पापा। जैसा मैंने बोला था कि अगले रैप सॉन्ग में शायद ताऊ ताई आएंगे, तो ताऊ जी आ चुके हैं, यानी कि बड़े पापा जी आ चुके हैं। एंड साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डिस्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी टाइटल में। तो देख लेते हैं फटाफट से वीडियो और फिर कर लेंगे बाकी की बातें। तो इसके लिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं रिएक्शन वीडियो। ओके अबे, बंगाल का सबसे बड़ा गाना देके बैठा हुआ, तेरा पूरा गाना का व्यूज मिला देगा ना तो मेरा आधा भी नहीं यार। ते बात करे हमसे आगे। हाँ, ये उसने बोला था अभी उसकी बारे में। अब बेच 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 बेच, तेरा कौन बाप भिड़ेगा, बॉडी में दम है तो बोल कहाँ मिलेगा, गैंग मेरा शॉट देगा खड़ा खड़ा हिलेगा, कलकत्ता का लड़की को छेड़ेगा तो लाज झाड़ू मिलेगा, गाना मेरा चलेगा इन लोग का जलेगा, जब तक हमको डिस करेगा तब तक ही तो चलेगा, खुद बेटा सकेगा नहीं तभी मिनाज को ला रहा, चाबी ऑन द माइक खाली हिट देके जा रहा, बाप तेरा 20-30 मिलियन पहुंचा रहा, हम लोग का देखा देखी तेलुग भी तो गलियां हिला रहा, साला हलवा का तरे तेरे कलवा का तरे, मेरा नाम लेके आगे बढ़े बड़वा का तरे, चल मालिश कर मेरा खोपड़ी जला देगा झोपड़ी तेरा, अपना तेल लेके अब्बा को मालिश कर। ओके, तो ये आंसर दे रहा है जो भी उसने बोला था सब्सक्राइबर के लिए बोला था अमन कलाकार, कि दूसरों के चैनल से तो हम भी व्यू ला सकते हैं अपने चैनल पर वीडियो डाल के देख। एंड यहाँ पर वो बोला कि किसी और को भी शायद अमन साथ में लेकर आया बीच में उसके बारे में। एंड ये बोला कि कोलकाता की लड़की को छेड़ेगा, क्या किसी को छेड़ा था ऐसा कुछ बोला है वो, कहीं लड़की बोला लड़का बोला, मुझे लड़की सुनाई दिया, बट ये बोल लूंगे कि इस लड़के के एक्सप्रेशन बहुत सही रहते हैं। अपना सांडा का तेल लेके अब्बा को मालिश कर, तभी गाना देते हैं बजट टैग, हम तो फिर भाव भी नहीं देते हैं, यूट्यूब से तेरा जितना इनकम है ब्रो उतना तो हम एक कॉन्सर्ट का लेते हैं, पापा है 1 पापा है 2 पापा है 3 मेरा तीनों गाना साइन था पहले से ब्रो, ऑडियो मेरा किया हुआ था, तेरे लिए कुछ भी हम नहीं लिखा था, तेरा 1000 से बढ़ता नहीं था, तेरा चैनल भी अच्छा था चलता नहीं था, गाना मेरा देखा थे पापा है मेरा तेरे कॉपी किया, चाचा है गुड लक व्यूज तेरा आ गया, मेरा कंटेंट चुराया तो कॉपीराइट खा गया। ओके, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि इसने चाचा रैप का जो था उसमें बीट सेम था तो कॉपीराइट ऐसा था, यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा कंटेंट चुराया तो कॉपीराइट खा गया, अगर मेरा बीट यूज़ करेगा तो मैं कॉपीराइट दूंगा। एंड ये कह रहा है कि पापा 1 2 3 पहले से ही फिक्स था, मैंने तो बस एक ही सुना है पापा रैप सुना है बस, बाकी का मुझे नहीं पता कि 2 और सॉन्ग हैं। तो कह रहा है कि मेरा तेरे से मतलब कुछ नहीं था, हमारा पहले से फिक्स था, तू बीच में आया डिस्टर्ब लेके क्योंकि तुझे व्यूज चाहिए थे। ओके, अबे भोसड़ी वाला चाचा, मेरा बीट लेके गाना बनाएगा तो कॉपीराइट खाई गई, मेरा 10-20 मिलियन व्यूज था, हमको तो डिस किया तो 3-4 मिलियन तो लाए गए। सैमी ऑन द माइक, था आंसर चाचा रैप सॉन्ग का, मतलब चाचा पापा पापा चाचा भी रोंगे लगता है मैं।
यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया है कि मेरे जो भी रैप सॉन्ग थे पापा रैप सॉन्ग, वो पहले से ही फिक्स थे। तू बीच में आया है, और तू बीच में इसलिए आया है क्योंकि तेरे को व्यूज़ चाहिए थे। आई डोंट नो क्या सच्चाई है क्या नहीं है, बट हाँ ये चीज़ तो है कि वो बोला कि मेरे 20-25 मिलियन व्यूज़ थे, तो अगर तू डिस्ट्रैक्ट बनाएगा तो तेरे व्यूज़ भी तो आएंगे। ये बात तो है, देखो अब जब डिस्ट्रैक्ट निकलते हैं जनता को मज़ा आता है, और जो जो भी निकालता है जिनकी भी झगड़ा होता है उनके व्यूज़ आते हैं। ये तो आप लिख के ले लो, मतलब इतिहास गवाह है कि डिस्ट्रैक्ट पे व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। तो कह रहे कि तेरे 5-7 मिलियन तो आएंगे आएंगे अगर मेरे 25 मिलियन व्यूज़ है तो। एंड यहाँ पर वो उस चीज़ के लिए ही बोला कि मतलब जैसे पिछली बार वो बोल रहा था जो भी चीज़ें जो भी उसने एलिगेशन लगाए थे उनको क्लियर कर रहा है। अब देखो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब लड़की वाली बात उसने की तो मेरा दिमाग फिर से थोड़ा सा हो गया कि लड़की के लिए किसी ने कुछ कहा था क्या, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मुझे लग रहा था कि इन दोनों का झगड़ा चल रहा है कोलकाता एंड झारखंड का। तो देखो आगे क्या होता है, बिकॉज अगर बड़ा पापा रैप सॉन्ग आया तो बड़ा चाचा भी आ सकता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि पक्का रिप्लाई आएगा अमन कलाकार की तरफ से। एंड बीट की जो बात की वो बिल्कुल सही बात की कि अगर कोई भी किसी का बीट लेगा, अगर हम भी लेते हैं, इवन अगर मैं भी रिएक्शन वीडियो देती हूँ और अगर ये नहीं चाह रहा है कि मैं इसकी बीट को यूज़ करूँ तो हमें भी क्लेम आता है, वो तो ऑब्वियस ही बात है। और यहाँ तो बात डिस्ट्रैक की, तो फिर स्ट्राइक तो भाई कोई भी देगा या गुस्से में तो ज़रूर देगा आदमी। तो कुछ कुछ बातें मेरे को सही लगी यहाँ पर इसकी। एंड ये बोलूँगी कि ये लड़का काफ़ी टैलेंटेड है, जिस तरह से एक्सप्रेशंस निकालता है उसको इंजॉय करता है। जो भी डिस्ट्रैक है वो डिस्ट्रैक की तरह नहीं, मतलब हमको इंटरटेनमेंट मिलता है साफ सी बात। कई सारे रैपर थोड़ा बोर कर देते हैं बीच में, तो ये आदमी जो है लड़का जो है ये पूरा इंटरटेन करता है होल वीडियो में। एंड बीट काफ़ी अच्छी थी इस बार भी, ऑटो ट्यून मुझे लगा के यूज़ की गई है। तो देखो भाई क्या है क्या नहीं है वो तो ये दोनों ही जाने, बस हम तो यही कह सकते हैं कि हमको सॉन्ग पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बाकी तो जनता जानती है जो भी मैटर है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ये कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज मेरे को तो काफ़ी सही लगा वीडियो। बिल्कुल चेंज है लास्ट पापा वाले सॉन्ग से, हर चीज़ चेंज है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ हिट दी लाइक बटन, एंड अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तो डिसलाइक दे सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं कोई ऐसा बोलने वाली नहीं हूँ कि लाइक ही दो मुझे। तो मिलती हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, पता नहीं क्यों मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ते हैं। तो बाय बाय एंड टेक केयर।